हेलो फ्रेंड्स, यार आप लोग के सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने ही वाला है, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम लोग 15 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे दोनों क्लासेस का, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है आप लोग के रिजल्ट की, मैं आपको बताता हूँ। और किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं कितने सब्जेक्ट में, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई, जो एक्सपेक्टेड डेट कॉम्बिनेशन रहने वाला है आप लोगों के क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट का, एक चीज याद रखो कि जनरली क्लास 12th का रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता है क्लास 10th से पहले। तो 12th क्लास का पहले रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद डिक्लेयर होता है रिजल्ट क्लास 10th का। 2 से 3 दिन बाद दूसरी क्लास यानी क्लास 10th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है। पहले क्लासेस क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद क्लास 10th का। दोनों क्लासेस का रिजल्ट कभी भी एक साथ डिक्लेयर नहीं होता, क्योंकि जो साइट होती है वो क्रैश हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है कुछ दिनों के लिए। इसलिए पहले क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो क्या रहने वाली एक्सपेक्टेड डेट्स आप लोग के एग्जाम्स के रिजल्ट की, वो कुछ इस तरीके से है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशन विल बी, जो सबसे ज्यादा माना जा रहा वाला कॉम्बिनेशन है वो ये है कि 12 जुलाई को क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 15 जुलाई को क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये मोस्ट प्रोबेबल डेट है। पहले क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, फिर क्लास 10th का। 12 जुलाई को क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 15 जुलाई को क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि 12 को क्लास 12th का होगा, 15 को क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है भाई, आगे देखो किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो भाई 10th तक ग्रेस मार्क्स मिलेंगे इस साल आप लोगों को, हर सब्जेक्ट में 10 तक ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन पेपर का सेट था, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो 10 तक यानी कि किसी बच्चे को 5 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, मैक्सिमम 10 ग्रेस मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे इस साल पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में। ठीक है भाई, आगे देखो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को काम रहना है, अपने रिजल्ट का वेट करो। मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट्स बता दी है और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। आप लोग काम रहो, शांत रहो, हैप्पी रहो, ताकि आप लोगों का जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से काम करे। और आप लोग हैप्पी रहोगे तो आपकी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करेगी। टेंशन नहीं लेनी, नर्वस नहीं होना। आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जल्दी डिक्लेयर होगा, और जो भी आएगा उस चीज को आप लोग को एक्सेप्ट करना है। आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 12 जुलाई और 15 जुलाई को डिक्लेयर होगा। 12 जुलाई को क्लास 12th का डिक्लेयर हो सकता है, 15 जुलाई को क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।